हेलो दोस्तों, आज आप जानने वाले हो बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री। बैंक ऑफ इंडिया कब से ईजाद हुआ और कहां कहां उन्होंने कारोबार किया और कितना टर्नओवर किया और आज किस स्थिति पर पहुंचकर तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है, वो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। बैंक ऑफ इंडिया BOI एक भारतीय नेशनलाइज्ड बैंक है। ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार की मलकियत में है, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर्स बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है। 1906 में स्थापित स्टेब्लिश्ड हुआ ये। 1969 में राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन के बाद से सरकार के ओवर ऑनरशिप में है। BOI स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस का एक संस्थापक फाउंडर सदस्य है, जो लागत प्रभावी फाइनेंशियल प्रोसेसिंग और संचार कम्युनिकेशन सेवाओं के प्रावधान की सुविधा प्रदान करता है। 31 मार्च 2021 तक बैंक ऑफ इंडिया का कुल कारोबार 1,37,549 करोड़ रुपए $150 मिलियन है। दुनिया भर में इसकी 5,108 शाखाएं हैं और 5,551 ATM है। 24 विदेशी शाखाएं हैं के साथ और इतिहास हिस्ट्री जान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को मुंबई महाराष्ट्र भारत के प्रतिष्ठित व्यापारियों के एक समूह द्वारा की गई थी। बैंक 19 जुलाई 1969 तक निजी स्वामित्व और नियंत्रण प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल में था, जब 13 अन्य बैंकों के साथ इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किया गया था। ₹5 मिलियन $70,000 की चुक्त पूंजी और 50 कर्मचारियों के साथ मुंबई के एक कार्यालय से शुरुआत करते हुए बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास किया और एक मजबूत राष्ट्रीय उपस्थिति नेशनल प्रेजेंस और बड़े अंतर्राष्ट्रीय संचालन बैनुल अक्वामी इंतजाम के साथ एक शक्तिशाली संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। व्यापार की मात्रा में बैंक राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज बैंकों में एक प्रमुख स्थान रखता है। भारत में बैंक की 5,084 से अधिक शाखाएं हैं, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है, जिनमें विशेष शाखाएं भी शामिल है। इन शाखाओं को 54 जोनल कार्यालयों में के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। विदेशों में 60 शाखाएं हैं, 5 सहायक असिस्टेंट और एक संयुक्त उद्यम यानी के जॉइंट वेंचर है। बैंक 1997 में अपना पहला पब्लिक इश्यू लेकर आया और फरवरी 2008 में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट पर फॉलो किया। बैंक ऑफ इंडिया मुंबई ब्रांच। बैंक ऑफ इंडिया नाम के पहले धारक विफल हो गए थे और उस समय तक वजूद में नहीं थे, जब हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों और यहूदियों के एक विविध समूह मुख्तलिफ ग्रुप ने 1906 में बॉम्बे में वर्तमान बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में मदद की। उस समय भारत में बैंक या तो यूरोपियन लोगों की मलकियत में थे और मुख्य रूप से यूरोपियन व्यापारी घरानों या विभिन्न समुदायों के हितों की सेवा करते थे और अपने समुदाय की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करते थे। प्रमोटरों ने 7 सितंबर 1906 को 1882 के अधिनियम 6 के तहत बैंक ऑफ इंडिया को ₹10 मिलियन $140,000 की अधिकृत पूंजी ऑथोराइज कैपिटल के साथ की प्रत्येक 1,00,000 शेयरों में विभाजित किया। प्रमोटरों ने 55,000 शेयर निजी तौर पर रखे और 3 अक्टूबर 1906 को IPO के माध्यम से जनता को 45,000 शेयर जारी किए। बैंक ने 1 नवंबर 1906 को परिचालन शुरू किया। बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख प्रमोटर सर ससुन जे डेविड थे। 1849 से 1926 तक वो ससुन परिवार के सदस्य थे, जो बदले में बगदादी यहूदियों के एक बॉम्बे समुदायों का हिस्सा थे, जो समाज सेवा में अपने इतिहास के लिए उल्लेखनीय काबिले जिक्र थे। सर डेविड एक विवेकपूर्ण बैंकर थे और 1906 में अपनी स्थापना से लेकर 1926 में अपनी मृत्यु तक बैंक के मुख्य कार्यकारी बने रहे।
बैंक के पहले निदेशक मंडल में सर ससुन डेविड सर कोवास जी जहांगीर जे कोवास जी जहांगीर सर फ्रेडरिक ले क्रॉफ्ट रतन जी दादा भाई टाटा गोवर्धन दास खट्टाऊ लालू भाई रामल दास खेत सेट्टी ख्यासे राम नारायण हरनुंदय राय जेनारेन हिंदुमल दानी शामिल थे। इब्राहिम नूरुद्दीन शामिल थे। 1921 में BOI ने अपनी क्लियरिंग हाउस के प्रबंधक के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता किया। BOI का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार 1946 में शुरू हुआ जब बैंक BOI ने लंदन में एक शाखा खोली जो ऐसा करने वाला पहला भारतीय बैंक था। ये सेकेंड विश्व युद्ध के बाद किसी भी भारतीय बैंक की पहली विदेशी शाखा थी। 1950 के दशक में BOI ने विदेशों में कई शाखाएं खोली। 1950 में टोकियो और ओसाका, 1951 में सिंगापुर, 1953 में केनिया और युगांडा, 1953 या 1954 में अदन और 1955 में तंगानिका। एक संक्षिप्त अंतराल के बाद BOI अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पर लौट आया। 1960 में हांगकांग में एक शाखा खोली। नाइजीरिया में एक शाखा ने 1962 में पीछा किया। फिर विदेशों में और घर पर राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन आया। तंजानिया सरकार ने 1967 में तंजानिया में BOI के संचालन का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किया और उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा और कई अन्य विदेशी बैंकों के साथ मिलकर सरकार के ओनरशिप वाले नेशनल कमर्शियल बैंक में बदल दिया। दो साल बाद 1969 में भारत सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया सहित 14 शीर्ष बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। उसी वर्ष पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ यमन ने अदन में BOI की शाखा का नेशनलाइजेशन किया और नाइजीरियाई और युगांडा सरकारों ने BOI को उन देशों में अपनी शाखाओं में शामिल करने के लिए मजबूर किया। अगले वर्ष नेशनल बैंक ऑफ सदर यमन ने यमन में BOI की शाखा को देश के अन्य सभी बैंकों के साथ शामिल किया। यह अब नेशनल बैंक ऑफ यमन है। BOI देश का एकमात्र भारतीय बैंक था। 1972 में BOI ने अपना युगांडा ऑपरेशन बैंक ऑफ बड़ौदा को बेच दिया। अगले वर्ष BOI ने जकार्ता में एक प्रतिनिधि कार्यालय ऑफिस खोला। 1974 में BOI ने पेरिस में एक शाखा खोली। ये यूरोप में किसी भारतीय बैंक की पहली शाखा थी। 1976 में नाइजीरियाई सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया नाइजीरिया में 60% शेयरों का अधिग्रहण किया। 1978 में BOI ने न्यूयॉर्क में शाखा खोली। इसके अलावा 1977 के दशक में BOI ने सैन फ्रांसिस्को में एक एजेंसी खोली। 1980 में बैंक ऑफ इंडिया नाइजीरिया ने इस तथा को दर्शाने के लिए अपना नाम बदलकर एलाइड बैंक ऑफ नाइजीरिया कर दिया कि ये अब बैंक ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी नहीं थी। 1986 में BOI ने बचाव में एर्नाकुलम जिला केरल राज्य में परूर सेंट्रल बैंक का अधिग्रहण किया। परूर सेंट्रल बैंक की स्थापना 1930 में हुई थी और इसकी विफलता के समय इसकी 51 शाखाएं थी। BOI ने 1990 में परूर सेंट्रल बैंक को समामेलित किया। अगले वर्ष 1987 में BOI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI की UK की 3 शाखाओं का अधिग्रहण किया। CBI सेठिया धोखाधड़ी और चूक में फंस गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी शाखाओं का ट्रांसफर करने की आवश्यकता थी। 2003 BOI ने शेंजेन में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला। 2005 BOI ने वियतनाम में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला। 2006 BOI ने शेंजेन और वियतनाम को अपग्रेड करने की योजना बनाई। बीजिंग दोहा और जोहान्सबर्ग में प्रतिनिधि कार्यालय। इसके अलावा BOI ने एंटवर्प में एक शाखा और दार एस सलाम में एक सहायक कंपनी स्थापित करने की योजना बनाई है जो 37 वर्षों के बाद तंजानिया में अपनी वापसी का प्रतीक है। 2007 में BOI ने इंडोनेशिया स्थित PT बैंक स्वदेशी का 76% टेक ओवर किया। BOI ने 6 अक्टूबर 2011 को ऑकलैंड न्यूजीलैंड में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक बैंक ऑफ इंडिया न्यूजीलैंड लिमिटेड की स्थापना की। तब BOI ने 18 जून 2012 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक बैंक ऑफ इंडिया युगांडा लिमिटेड की स्थापना की। अधिकांश हाल ही में BOI ने 9 अगस्त 2013 को अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक बैंक ऑफ इंडिया बोत्सवाना लिमिटेड खोली है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। गुड लक।